नीतीश कुमार मुर्दाबाद, भाजपा जदी हो बिहार सरकार नरेंद्र मोदी बिहार सरकार मुर्दाबाद मिट्टी वापस लेना होगा, तेल पेट्रोल की कीमत है वापस लो, वापस लो, वापस लो, नगरदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खर्चा सरकार निकम्मी है, देश में पेट्रोल डीजल रसोई गैस और खाद तेलों सहित अन्य जरूरी सामग्री की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश भर में साइकिल यात्रा निकाल रही है, साइकिल रैली निकाल रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर राजधानी पटना में भी कांग्रेस के द्वारा साइकिल रैली निकाली गई, जिसकी शुरुआत बोरिंग रोड चौराहा से की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और अधिकारी मौजूद रहे। रैली का नेतृत्व कर रहे पार्टी के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि आज देश में महंगाई की जो हालत है उससे हर वर्ग के लोग प्रभावित हैं। वहीं अजीत शर्मा व मदन मोहन झा ने कहा कि हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बिहार प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक अनूप कुमार ने कहा कि मोदी सरकार ने इस कोरोना काल में लोगों की जेबें पूरी तरह से खाली कर उन्हें अंबानी और अडानी की जेबें मोड़ डालने का काम कर रहे हैं। सुनिए इस मौके पर नेताओं ने क्या कुछ कहा है। जानते हैं कि महंगाई चरम सीमा पर पहुँच गया है। हमारे देश में महंगाई का मात्रा इतना नहीं हुआ था, चाहे तेल के संदर्भ में हो, डीजल पेट्रोल के संदर्भ में हो, गैस के संदर्भ में हो, खाद्यान्न के संदर्भ में हो, सारी जो लोगों का व्यवहार का जो है चीज़ें, वो सारे चीज़ों में चरम सीमा पर पहुंचा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी जी के आह्वान में ये लड़ाई पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी लड़ रहा है कि दाम को रोका जाए। अगर दाम को रोक नहीं सकते हो, हर रोज बढ़ रहा है, अब किस बात का सरकार हो? आप मजदूरों का काम में नहीं आ पाए, किसानों का काम में नहीं आ पाए, देश के किसी भी वर्ग का काम में नहीं आ पा रहे हो, देश की जीडीपी को खत्म कर दिए हो, अब महंगाई को क्यों नहीं रोक रहे हो? वो दिन भूल गए जब 350 रुपया गैस था, तो तब आप लोगों ने सिलेंडर लेकर के रास्ते पर आप लोग आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, अनशन कर रहे थे, उसको आपको याद आना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए। बीजेपी में बैठे सत्ताधीशों को आज को शर्म आना चाहिए। आज देखिए जिस तरह से देश के मजदूर और किसानों के साथ किया गया, हमारे बीच में गौरव कृष्ण शास्त्री जी हैं और आज कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। गौरव कृष्ण शास्त्री जी हैं, आपके बिहार अंचल में काम करते हैं, यूपी में काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा समर्थक थे और पिछले चुनाव में उनके लिए बहुत मदद किए थे, लेकिन आप इनसे पूछ लीजिए आज क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। जनों की सरकार नहीं है, ये पूंजीपति उद्योगपतियों पर केंद्रित सरकार है। उसको हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी, अगर आप इस तरह से महंगाई पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम लोग अपनी जो प्रदर्शन है इसको हम और तेज करेंगे और इसको हम देश स्तर पर ले जाएंगे, सड़क से लेकर के संसद तक लड़ने का काम करेंगे और जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी तब तक हम लोग का इसी प्रकार से प्रदर्शन चलता रहेगा। साइकिल यात्रा कहां से आपने शुरू की थी, कहां पे खत्म? आज जो है ये प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में बोरिंग रोड चौराहा से लेकर के गांधी मैदान तक ये हमारा आज साइकिल यात्रा था, जिसके माध्यम से हम लोग सरकार को ये बता रहे हैं कि देखिए आज की स्थिति, आम जनों की स्थिति क्या हो चुकी है। आम जन अपने चार चक्का वाहन, दो पहिया वाहन को छोड़ करके आज साइकिल और पैदल चलने के लिए बैलगाड़ी पे आ रहे हैं, तो काफी स्थिति भयावह है। एक तो कि जिस प्रकार से कोरोना में आम जनों का कमर तोड़ दिया, आर्थिक रूप से मध्यम वर्गीय परिवार जिस प्रकार से कमजोर हुए, अब वो उनकी स्थिति पे मरहम लगाने की बजाय सरकार उनको महंगाई की मार मार रही है, जिससे आम जनों को काफी परेशान हो रही है और सरकार कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। सरकार सिर्फ चंद उद्योगपति, अडानी और अंबानी जैसे लोगों के फायदे की बात करती है, आम जनों से उनको कोई लेना देना, किसानों से कोई लेना देना नहीं, नौजवानों से कोई लेना देना, आज रोजगार की बात नहीं होती, आज महंगाई की बात नहीं होती, आज बात होती है तो लंद फंद जो बात है उसको लेकर के सरकार मुख्य बिंदु से, सरकार अपने जनहित के मुद्दे से ध्यान को भटका रही है।